সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনি দেখছেন দ্য রিমার্কেবল মিডিয়া। গত 15 বছরে বাংলাদেশ বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের এই উন্নতিকে অনেকে চমৎকার বলে অভিহিত করে। অনেকে এখন এটা মেনে নিতে পারছে না যে বাংলাদেশ 50 বছর আগে পাকিস্তানের উপর বোঝা স্বরূপ ছিল, সে বাংলাদেশ আজ নিজস্ব অর্থায়নে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার ফলে আজ পুরো বিশ্বসহ পাকিস্তান নিজেও বাংলাদেশের উন্নতির মডেলকে ফলো করতে চাচ্ছে। তো তারা আজ এই ব্যাপারে কি কি বলছে সেটাই দেখবো আমাদের আজকের মূল ভিডিওতে। পুরো ভিডিওটি আপনার সাথে আছি আমি ইয়াদুল হক কালিব, আপনারা দেখছেন দ্য রিমার্কেবল মিডিয়া। बांग्लादेश और तुर्की के तरक्याती मॉडल हैं। जिस अंदाज में तुर्की ने 2002 से रजब तैयब अर्दोगान की क्यादत में तरक्की की है, G20 का भी मेंबर बना है, दुनिया की हर चीज वहां पे बनती है, मुश्किल हालात के बावजूद वो G20 का मेंबर है और नेटो का भी उसकी रुकनियत हासिल है, लेकिन यह कि एक मर्द आहान है, यानी तैयब अर्दोगान अपोजिशन का उन्होंने सत्यानाश कर दिया है, दूर दूर तक नामो निशान नहीं है नेशनल लेवल पे, और एक ही पार्टी है AKP यानी जस्टिस पार्टी, और वो हर जगह कामयाबी हासिल करती जा रही है, और दुनिया भर के लीडर अर्दोगान के साथ उनके सख्त कौमी ख्यालात नेशनलिस्ट ख्यालात के बावजूद उनके साथ मुजाकरात भी कर रहे हैं। दूसरी मिसाल बांग्लादेश है। बांग्लादेश में भी गुज़श्ता 15 वर्षों से हसीना वाजिद बैठी हैं, उन्होंने बिल्कुल तरक्की का एक फोकस रखा हुआ है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितनी इंडस्ट्री है उसको उन्होंने बिल्कुल एक नंबर 1 प्रायोरिटी दे रखी है। उसी की बदौलत इस साल बांग्लादेश की बरामदात $50 अरब तक पहुंच गई है, क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटाइज कर दिया है कि जितनी भी मुल्क के अंदर पैदावार होनी है, जितनी हमने एक्सपोर्ट करनी है, उसके लिए तमाम लवाजमात पूरे करने हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के भी बहुत सारे सनतकार अपनी सनत बांग्लादेश में कायम कर चुके हैं, क्योंकि एक दफा जब सनत कायम हो जाती है फिर उनसे कोई छेड़छाड़ कोई नहीं करता। बिल्कुल ऐसी जैसे मुत्तहदा अरब अमारात में भी ऐसी पॉलिसी अख्तियार की गई हैं। वहां तो बल्कि एक मिनिस्ट्री है खुशी के लिए, खुशहाली जो कहते हैं मिनिस्ट्री फॉर हैप्पीनेस, वो भी एक वजारत है वहां पे कलहदा से, लेकिन उसे कत नजर UAE में, कतर में, बहरीन में जो तरक्की हुई है उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वहां पर मर्द आहान बैठे हुए, उन्होंने अपनी तरजीहात का तायुन किया, गैर मुल्की कंसल्टेंट्स को लेके आए, अपने तमाम निजाम को उन्होंने जदीद बनाया, और आप देखिए कि सहरा में उन्होंने नखलिस्तान बना लिया, सहरा को उन्होंने एक मैग्नेट बना लिया है पूरी दुनिया के लिए। तो यही कुछ हुआ है बांग्लादेश में, जहां पे हर साल सैलाब आते हैं, गुर्बत है, लेकिन $50 अरब से जायद उस मुल्क की बरामदात हैं जो कि कॉटन इंपोर्ट करता है। हम कॉटन कपास यहां पे पैदा करते हैं, उसके बावजूद हमारी बरामदात तमाम तर कोशों के बावजूद $30 अरब से ज्यादा नहीं जा सकी। तो इस मौके पर सवाल यह कि क्या वो एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान को की तरक्की चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट के वो हिस्से जो वाकईतन पाकिस्तान को जदीद तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पे देखना चाहते हैं, क्या उनकी नजर में तुर्की का, बांग्लादेश का और मलेशिया का तरक्याती मॉडल है। मलेशिया में भी महातिर मोहम्मद ने अपने पहले दौर में 20-25 साल पुरानी की और मलेशिया को तरक्की से हमकिनार करवाया, तो क्या उनकी नजर में वो मॉडल है जहां पे एक मर्द आहन चाहिए आपको जो कि मुसलसल एक फोकस रखे, एक पॉलिसी इख्तियार करके और उसको परसू करे। तो क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी तुर्की, बांग्लादेश या मलेशिया में जो तरक्याती मॉडल इख्तियार किए गए उसको अपनाने की कोशिश कर रही है या सोच रही है, यानी एक मर्द आहन के जरिए तमाम निजाम को चलाया जाए जहां पर फैसले एक बंदा करे और उस पर अमल दरामद मुकम्मल यकसुई के साथ हो सके। तो बंधुरा, वीडियोटिके शेष पर्यंत देखार जन्य आपनादेर सकलके असंख्य धन्यवाद। বাংলাদেশ হচ্ছে একটা শান্তিপ্রিয় দেশ। বাংলাদেশ কখনো কারো খারাপ চায় না, তা সে বাংলাদেশের বন্ধুই হোক কিংবা বাংলাদেশের শত্রুই হোক। বাংলাদেশ চায় তার সকল প্রতিবেশী দেশ, তা সে পাকিস্তানি হোক না কেন, সকল দেশই যেন উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তো আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্ত ছিল। নেক্সট আপনার জন্য আরও কিছু ইন্টারেস্টিং ভিডিও হাজির হবো। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।